मॉर्निंग बच्चों, एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास सिक्स सब्जेक्ट एसएसटी पार्ट पहला राजस्थान एक परिचय लेसन को हम पढ़ेंगे। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। हम इस महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित हैं, भारत देश में रहते हैं। जैसे ये भारत का नक्शा देखो बच्चों, इसमें राजस्थान कहाँ स्थित है, यहाँ स्थित है, और ये दिशा कौन सी है, उत्तर पश्चिम पूर्व और दक्षिण। हमारे देश में कुल कितने राज्य हैं? हमारे देश में कुल राज्य है 28 और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 है। हमारा देश 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक क्या है, संघ है। इनमें से हमारे राज्य का क्या नाम है, यह राज्य भारत के किस भाग में स्थित है, इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से है, इनमें से कुल कितने जिले हैं, क्षेत्रफल के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, हमारे राज्य को कितने प्रशासनिक संभागों में विभाजित किया गया है। हमारे राज्य से संबंधित इन प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में हम समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। हम भारत के जिस राज्य में निवास करते हैं उसका नाम क्या है, राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो भारत के लगभग 10.41% भाग पर क्या है, फैला हुआ है। आजादी के बाद वर्तमान राजस्थान का स्वरूप सन 1948 से 1956 तक चली राज्य एकीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या है, सामने आया है, स्थिति एवं विस्तार। जैसे ये स्थिति और ये देखो, जैसे ये पतंगाकार स्थिति में है, ये है उत्तर दिशा, ये है दक्षिण दिशा, ये है पश्चिम दिशा और ये है पूर्व दिशा। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश एवं 79 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है, 342,239 वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई है 826 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व तक इसकी लंबाई है 869 वर्ग किलोमीटर किलोमीटर है। जिले एवं संभाग, प्रशासनिक सुविधाओं के कारण हमारे राज्य को पुनः कई जिलों में विभाजित किया गया है ताकि छोटे छोटे क्षेत्रों के विकास कार्य को सुचारू रूप से चलाया जा सके। इसलिए राजस्थान को भी 33 जिलों में विभाजित किया गया है। इनकी स्थिति एवं नाम मानचित्र 1.2 में दर्शाए गए हैं। मानचित्र को देखने से स्पष्ट होता है कि पश्चिमी राजस्थान में स्थित जिले क्षेत्रफल के अनुसार बड़े हैं। जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है। जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है। सबसे बड़ा
यूपी राजस्थान में स्थित धौलपुर राज्य का सबसे छोटा जिला है। धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है। इसी राज्य में सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त इसी जिले में होता है। राज्य के 33 जिलों को पुनः 7 संभागों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार है, संभाग और उससे संबंधित जिले। संभाग जैसे है जयपुर, उससे संबंधित जिले कौन कौन से हैं? जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर और झुंझुनू। दूसरा संभाग है जोधपुर, उससे संबंधित जिले हैं जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर एवं जैसलमेर। तीसरा संभाग है बीकानेर, बीकानेर में है बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़। और चौथा संभाग है अजमेर, उससे संबंधित जिले हैं अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक एवं नागौर। पांचवा संभाग है कोटा, कोटा में कोटा, बूंदी, बारां एवं झालावाड़। छठा संभाग है उदयपुर, उससे संबंधित जिले कौन कौन से हैं? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं प्रतापगढ़। सातवां संभाग है भरतपुर, इससे संबंधित जिले हैं भरतपुर, धौलपुर, करौली एवं सवाई माधोपुर। पड़ोसी राज्य एवं देश, राजस्थान राज्य के 5 पड़ोसी राज्य हैं। मैडम मैडम रुको, पड़ोसी राज्य एवं देश, राजस्थान राज्य के 5 पड़ोसी राज्य हैं। पड़ोसी राज्य प्रदेश, 5 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। राज्य की कुल स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर है। कुल स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर है। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। मानचित्र 1.2 को देखकर मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिलों की पहचान करो। राज्य की सबसे छोटी सीमा उत्तर में पंजाब राज्य द्वारा बनाई जाती है। राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान देश से मिलती है, जो लगभग 1,070 किलोमीटर लंबी है। हमारे देश और राज्य को पाकिस्तान से अलग करने वाली इसी रेखा को रेड की रेखा कहा जाता है। इसका निर्धारण आजादी के समय सन 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के तहत किया गया था।